सो एनीवे दिस एनिवर्सिटेशन हैज टू डू एकेडमी। मैं आज बात करने वाला हूँ कैंडी शैम्पू कंडीशनिंग एंड सीरम के बारे में। वैसे तो शैम्पू कंडीशनिंग कैरेटिन का बहुत ही सारे हैं, बट मैं जो अभी आपको दिखाने वाला हूँ ये नया प्रोडक्ट है और मैं यूज़ किया हूँ, क्लाइंट्स को दिया हूँ। सो इसका फीडबैक क्या है, इसका कितना अच्छा है और कितना अच्छा नहीं है, क्या आप इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं यूज़ कर सकते हैं, उस बारे में बात करने वाला हूँ। सो मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रोडक्ट, इसका सीरम है, शैम्पू है और कंडीशनर है, कौन कौन सी बालों के टेक्सचर पे यूज़ कर सकते हैं। सो मेरे जो हाथ में है ये है आपका यूनिवर्सल, ये एक्चुअली ब्रांड का नाम है यूनिवर्सल, जिसका शैम्पू और ये कंडीशनर और इसका ही एक आता है सीरम। सो ये है यूनिवर्सल कंपनी का शैम्पू कंडीशनिंग एंड सीरम, जो प्रोफेशनल शैम्पू है, USA का ब्रांड है, ये USA में इसका प्रोडक्शन है, ये वहाँ बनता है। सो ये मैं यूज़ किया हूँ, ये नया ब्रांड है, मैं इससे पहले कभी किसी भी सलून में नहीं देखा था, और जो हमारे पास में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स टेक्नीशियन आए हैं उन्होंने भी कहा कि ये नया लॉन्च हुआ है इंडिया में, USA में, विश्व कंट्री में पहले से ये यूज़ हो रहा था बट इंडिया में ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है। सो आपको मैं बताऊंगा कि ये जो कौन से हेयर पे यूज़ होता है, ये कैरेटिन शैम्पू है, स्ट्रेटनिंग शैम्पू है, इसका कैरेटिन भी होता है, इसका स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स भी है, थोड़ा स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट जो होता है कॉस्टली है, बट अभी एक्चुअली मैं स्ट्रेटनिंग के बारे में नहीं बात करूँगा, मैं बात कर रहा हूँ शैम्पू के बारे में, कंडीशनर एंड सीरम के बारे में। सो मैं सीरम की बात करूँगा, कंडीशनर एंड सिर्फ शैम्पू की बात करूँगा। सो ये आप कैरेटिन स्मूथनिंग शैम्पू एंड मास्क है, आप कैरेटिन हेयर पे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके बालों पे कैरेटिन किया हुआ है तो यूज़ कर सकते हैं, आपके बालों पे कलर किया हुआ है तो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी सल्फर फ्री शैम्पू है। सो आपके बाल पे अगर कलर है तो सल्फर फ्री शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कलर प्रोटेक्ट आपके बालों को देने वाला है, और स्ट्रेटनिंग पे भी यूज़ कर सकते हैं, कैरेटिन का शैम्पू है तो आप कैरेटिन पे भी यूज़ कर सकते हैं, सल्फर फ्री है ये। एंड इसका मास्क है, सो नॉर्मली मास्क जैसे यूज होते हैं वैसे आपको मास्क यूज करना है, आफ्टर शैम्पू बालों से एक्स्ट्रा वाटर निकाल के मिडिल टू एंड लगा के 2-3 मिनट रखना है, एंड आफ्टर कंडीशनिंग मास्क को वॉश करके आपको सेमी वेट हेयर में आफ्टर टॉवल ड्राई सीरम यूज करना है 2-3 ड्रॉप। सो ये तो आपको पता है आप इसको कैसे यूज करना है, इसका रिव्यूज जैसे मैंने जो भी क्लाइंट को दिया है, रिकमेंड किया है या जो क्लाइंट यूज किए हैं, ठीक ठाक रिजल्ट है। आप इसको अदर्स कुछ ब्रांड के साथ अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो कुछ ब्रांड से अच्छा है, कुछ ब्रांड से अच्छा नहीं भी बोल सकते हो। सो मैं कौन से ब्रांड से अच्छा है, कौन से ब्रांड से बुरा है उसका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि इसका जो रेट है 1000 999 इसका प्राइस होता है आपका, ये बहुत कम प्राइस नहीं है, ठीक ठाक प्राइस है। हाँ, सो 999 में आप इसको कह सकते हो कि अफोर्डेबल भी है, अगर आप 4000-5000 का कैरेटिन ट्रीटमेंट करवा सकते हो तो ये ठीक ठाक है प्राइस, बट यूज़ के लिए बहुत सारे क्लाइंट्स बोले हैं कि ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट्स बोले हैं कि अच्छा नहीं लगा। सो मैं 50-50 कह सकता हूँ ठीक ठाक नहीं है, बट इसकी जो पैकेजिंग है, जो बॉटल्स है, ये बहुत सारे क्लाइंट्स ने कंप्लेन किया कि ठीक ठाक नहीं है, अच्छा नहीं लगता, डायरेक्टली उन्होंने कहा बॉटल है। सो मैं तो यही कहूँगा कि अगर इसका पैकेजिंग थोड़ा चेंज होता तो शायद और अट्रैक्टिव होता, और रिजल्ट तो ठीक ठाक है, बहुत फैबुलस या बहुत ख़राब गंदा नहीं कह सकते। सो आप अगर बाई करके यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, बहुत गंदा शैम्पू नहीं है, ठीक ठाक है, आप कलर हेयर पर भी यूज़ कर सकते हैं, कैरेटिन एंड स्मूथनिंग तीनों टाइप के हेयर पर आप यूज़ कर सकते हो। सो आई होप कि ये नया प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, और भी अगर कुछ जानना हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक आईडी पे पिन कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।